आज मैं फर्स्ट ईयर का क्लास लेकर आया हूं। इसमें मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल के बारे में बतलाऊंगा, तो एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो देखिए लिखा है, क्वेश्चन है, यदि कोई अल्टरनेटर 230 वोल्ट पर अधिकतम 1000 एम्पियर की विद्युत धारा प्रदान कर सकता है, कहता है यदि कोई अल्टरनेटर 230 वोल्ट पर अधिकतम 1000 एम्पियर की धारा प्रदान करता कर सकता है तो 0.6 पावर फैक्टर पर उसकी आउटपुट ज्ञात कीजिए। मतलब 0.6 पावर फैक्टर पर उसकी आउटपुट ज्ञात करना है कि इस अल्टरनेटर का आउटपुट कितना देगा, कितना होगा। देखिए हल करते हैं, वोल्ट ए वोल्ट बराबर 230 वोल्ट। देखिए ये अल्टरनेटर 230 वोल्ट पर कार्य करता है, कितना 230 वोल्ट पर यह कार्य करता है। इसकी विद्युत धारा ये कितनी विद्युत धारा प्रदान करता है, वो 1000 एम्पियर। तो पावर फैक्टर कॉस फाई बराबर 0.6 ये पावर फैक्टर दिया हुआ है, ये हमको एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अतः इकाई पावर एक पावर फैक्टर बराबर एक पावर फैक्टर पर अल्टरनेटर की रेटिंग, माने एक पावर फैक्टर बराबर भी इंटू आई बटे 1000 होता है। ये आप इसको एक फॉर्मूला जो है ये आप याद कर लेंगे, पावर फैक्टर निकालते एक पावर फैक्टर बराबर भी वोल्ट इंटू एम्पियर डिवाइड 1000। तो हम इस फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे 230 वोल्ट इंटू आई एम्पियर 1000 एम्पियर। देखिए यहाँ 1000 एम्पियर डिवाइड ए कट गया, बच गया 230 केवीए किलो वोल्ट एम्पियर। ये आपका एक इकाई मतलब एक पावर फैक्टर पर ये कितना किलो वोल्ट एम्पियर, 230 किलो वोल्ट एम्पियर प्रदान करता है। तो देखें चूंकि 0.6 पावर फैक्टर अल्टरनेटर का आउटपुट बराबर, तो इतना में इतना से हम गुना कर देंगे 230 इंटू 0.6, ये गुना करने के बाद 1.38 किलो वाट एम्पियर किलो वाट आपको क्या हो गया, ये उसके आउटपुट कितना हो जाएंगे 1.38 किलो वाट एंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं न्यूमेरिकल लेकर आऊंगा। थैंक यू।